असलम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल टीम इंडिया ने आज एस एड भाई कल पहुंच चुकी थी दोनों टीम्स विशाखापट्टनम में जो सेकंड टेस्ट मैच होने वाला है और आज आ, ट्रेनिंग भी की दोनों टीम्स ने एंड टीम इंडिया ने भी ट्रेनिंग की रोहित शर्मा है कि यंगस्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आए उनको टीम्स दे रहे थे उनको है कि गाइड कर रहे थे एंड है कि इसके अलावा सरफराज खान जिनको सेकेंड टेस्ट के लिए कॉल किया आई थिंक बुलाया गया है शायद फर्स्ट टाइम ही एफ आई एम नॉट रॉन्ग या मतलब मुझे कंप्लीटली नहीं मालूम है कि शायद शायद है कि मेडन कॉल अप है सो है कि उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है आज उन्होंने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया एंड एज ए सेट कोहली इस मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे थर्ड टेस्ट मैच के लिए कोहली अवेलेबल होंगे और है कि डेफिनेटली टीम इंडिया को उसका नुकसान तो होने वाला है जिस तरह से फर्स्ट मैच में हुआ और मुझे तो खैर ये लगता है अगर फर्स्ट मैच में कोहली होते तो इंडिया जीता हुआ होता मैच क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन के बैट्समैन है विराट कोहली और ऐसा ही सिचुएशन में वो रन करके देते हैं एंड है कि ओवर द लाइन लेके जाते हैं अपनी टीम को और है कि वही नहीं थे वही बात है कि जब कोई भी नहीं टिकता तो कोहली साहब खड़े होते हैं और है कि मतलब चेजिंग में तो स्पेशली है कि उनका फेवरेट काम है चेज करना टारगेट तो, तो खैर मुझे लगता है कि अगर कोहली साहब होते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच में तो इंडिया जीता हुआ होता और इसके अलावा खैर माइकल वॉन ने कहा है कि भाई तो, कोहली विराट कोहली की टेस्ट कैप, कैप्ट, कैप्टनसी को बहुत ज़्यादा मिस करी है इंडिया की टीम और है कि अगर तो अभी विराट कोहली कैप्टन होते है तो है कि इंडिया की टीम को इस तरह से लॉस का सामना नहीं करना पड़ता एंड ऑल सो वही बात है कि मतलब उन्होंने भी इनडायरेक्टली रोहित शर्मा की कैप्टनसी को ही पॉइंट आउट किया है कि भाई इतनी ज़्यादा कोई एग्रेसिव या इतनी ज़्यादा कुछ है कि जिद्दत नहीं लाई जा रही उनकी कैप्टनसी में सो so, खैर मैं भी एग्री करती हूँ हमने यहाँ पे कल आ, बात की ही थी और है कि इसके अलावा जो ए के चेयरमैन का भी कुछ इलेक्शन हुआ है मतलब जो है कि सिलेक्ट किए गए हैं तो वो भी है कि अगेन जय शाह को रखाया गया है थर्ड कन्जर्वेटिव टाइम वो ए के चेयरमैन लगाए गए हैं एंड है कि मजीद जो है कि आईसीसी चेयरमैन के हवाले से भी खैर बातें हो रही हैं कि शायद उन्हें ही लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा हल्के बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा नहीं होगा बस वही बात है खैर मैं इस हवाले से बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहती जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है वही होता है एंड है कि अगर तो हमारे हक में कुछ बेहतर होने का होगा तो डेफिनेटली होगा उनकी मौजूदगी में भी होगा उनकी गैर मौजूदगी में भी हो सकता है सो so, आई डोंट थिंक इससे पाकिस्तानियों को ज़्यादा है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत है एंड ऑल बट ये या इसके और भी खैर बातें हो रही है कि थर्ड कंजर्कटिव टाइम है कि जय शाह को ए का चेयरमैन बनाया गया है एंड कोई पाकिस्तान से नहीं बनता या कोई बांग्लादेश से नहीं बनता एंड तो भाई किस तरह से बनेगा ये भी तो देखो ना फैक्ट देखो कि पाकिस्तान के चेयरमैन का कुछ पता नहीं होता एक साल में कुछ पंद्रह तो चेयरमैन तो कि तो तो ना बांग्लादेश बोर्ड में भी नहीं है वहां के भी सब यही सब निकलते रहते हैं अजीब अजीब तरह की बातें और है कि श्रीलंका में भी डेफिनेटली नहीं है कंसिस्टेंसी उनके बोर्ड में भी उनको भी खैर ऐसे कुछ फायर कर दिया था और दोबारा है उनको डोंट नो खैर क्या उनकी थी बातें मतलब वही है कि कंसिस्टेंसी किसी भी बोर्ड में नहीं है जस्ट इंडिया के बोर्ड में है और इंडिया का बोर्ड डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसे वाला है सब कुछ है कि वो मैनेज कर सकते हैं दर्सवा है कि शाह को दिया गया है मुझे खैर इस सवाल से कोई वो नहीं है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं आया और खैर खबरें हैं कि कुछ पाकिस्तान को नेक्स्ट ईयर में है कि पाकिस्तान का पाकिस्तान की तरफ से कोई होगा ए सी का ए सी सी का चेयरमैन तो यही बात है कि अगर वो पाकिस्तान का चेयर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रहेगा तो होगा वहाँ ए सी सी का चेयरमैन और है कि रोज़ाना की बुनियाद पर या मंथली है कि हम चेयरमैन चेंज करते रहेंगे तो फिर ये तो नहीं सही है ना सो आई थिंक मुझे खैर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जय शाह को रखा है और दिस एंड दैट और आईसीसी के वाले से भी लोग बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा ये होगा वो हो गया तो इस हाले से भी खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे वही बात है कि भाई जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी वही होगा कहते हैं ना कि मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है जो मानने इसमें लिखा होगा वो तो उन्होंने वो कहीं रहना है चाहे जो भी चाहे मैंने सो खैर कोजिफ्ट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कंटेंट अल्लाह हाफिज़